कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सगुन इस समय मीत हुड्डा के बच्चे को उठाने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही टोन है, एक ही सोचना है कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को टारगेट कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, मीत हुड्डा को टारगेट करने के लिए ये लोग और कितने गिरेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी परफेक्ट दिलचस्प नज़ारा लाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि अगर इन लोगों को किसी भी तरीका से ये लग रहा है कि हमारी जीत होगी, तो इन लोगों की जीत नहीं है, बल्कि सगुन और साथ में मनमीत का जो बड़ा भाई है, इन लोगों की पोल पट्टी खुलकर ये लोगों का जेल जाना दोबारा निश्चित हो चुका है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा क्राइम खाली यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि मीत हुड्डा से कानूनी तरीके से ये लोग जीत नहीं सकते, इसलिए पीछे पीठ पे बार करना इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, जहाँ आप लोग जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आएंगे आखिरकार मनमीत बोलते हुए नज़र आएंगे कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों पर वार करने की। क्योंकि लगातार मनमीत और मीत हुड्डा के बच्चों पर जो वार हो रहे हैं, इस चीज़ को मनमीत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब नाम सभी लोगों के सामने आ जाएगा कि ये करने वाला शख्स कोई और नहीं मनमीत का भाई और सगुन है, तो उसके बाद में कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, कानूनी कार्रवाई होनी वाकई में कितनी बड़ी जायज़ है, क्योंकि इन लोगों ने क्राइम ही कुछ इस तरीका का किया है जिसके लिए इन लोगों को सज़ा भी हो जाए तो भी कम है, क्योंकि इन लोगों को इनकी औकात तक पहुँचाना मीत हुड्डा की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।